हेलो दोस्तों, हिंदी रीड ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राजदीप और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्यों आपको आपके फोन में रैम बूस्टिंग एप्लीकेशंस क्यों नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। सो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने फ़ोन में ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके रखते हैं, फ़ोन बूस्टिंग, रैम बूस्टिंग और मेमोरी क्लीनर और ये सारी एप्लीकेशंस। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस है गाइज, इनका कोई मीनिंग नहीं है आपके फ़ोन में इंस्टॉल करने का। ये बेफालतू की एप्लीकेशंस हैं और ये उल्टा आपके फ़ोन को नुकसान पहुँचाती है। अब वो आपके फ़ोन को नुकसान कैसे पहुँचाती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फ़ोन में 1 GB की रैम है, तो 1 GB की रैम में होते हैं 1000 MB। अब अगर आपने आपके फ़ोन में फॉर एग्जांपल के लिए 4 एप्लीकेशन रैम बूस्टिंग की डाल रखी है, मेमोरी क्लीनर, रैम बूस्टिंग और ये सारी एप्लीकेशन, तो जनरल फंक्शन एप्लीकेशन का ये होता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में चलती है तो रैम में वो थोड़ा सा स्पेस को कवर करती है। सो अगर आपकी 1000 MB अगर आपके इसमें रैम है और आप 4 एप्लीकेशन ये रैम बूस्टिंग वाली इंस्टॉल करके रखते हो, तो अगर वो 100 MB भी लेती है तो 400 MB तो वो एप्लीकेशन ही यूज़ कर रही है ना, तो आप कहाँ से इसमें रैम बचा रहे हो। तो ये तो कौन सी बात है, मुझे समझ में नहीं आता लोग इतनी एप्लीकेशन डाल के रखते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए। इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई आपके मोबाइल की स्पीड बढ़ने वाली नहीं, उल्टा स्लो होनी है। आप अगर 10 ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका फ़ोन तो हैंग ही हो जाना है। सो कहाँ आपका फ़ोन फास्ट हो रहा है इसमें, ये बताइए मुझे। एक चीज़ ये हो गई, ये तो हो गई रैम की बात। दूसरा, ये एप्लीकेशंस जो हैं ये आपके फ़ोन पे स्टोरेज को कवर करती है। सो आपका जो इंटरनल स्टोरेज है फॉर एग्जांपल, उसमें अगर लो स्टोरेज है, कम उसमें जगह है फाइल्स को स्टोर करने के लिए, और अगर आप बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन को आप उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं और वो सारी एप्लीकेशन बहुत सारी जगह घेर लेती है, बहुत सारी जगह एक्वायर कर लेती है, तो आपका फ़ोन स्लो होना है, फिर स्लो होना है। तो कहाँ से आपका फ़ोन जो है वो इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के बाद फास्ट हुआ, वो तो उल्टा स्लो हो रहा है ना। अब ये एप्लीकेशन बनाते क्यों हैं, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन जिन्होंने बनाई है, जो डेवलपर्स हैं, वो आप लोग डाउनलोड करते हैं, फिर उन एप्लीकेशंस में ये लोग ऐड दिखाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं, सीधा फंडा है। इसीलिए लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। और अगर आपको रैम क्लीन करनी है तो आपके पास टास्क मैनेजर होता है, जहाँ पर आप मल्टीपल एप्लीकेशन, जहाँ पर रिसेंट एप्लीकेशन होती है, जहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं, वहाँ से अगर आप चाहें कोई भी एप्लीकेशन को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप इतनी सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके रखें और सभी फाइल्स को आप वहाँ से क्लीन करें और सभी एप्लीकेशन को वहाँ से क्लीन करें और आपकी रैम को बूस्ट करें। अरे भैया, ऐसा होता अगर ऐसी स्पीड बढ़ती तो क्या बात थी, कोई भी फ़ोन की स्पीड बढ़ जाती फिर। सो इन एप्लीकेशन से कुछ भी नहीं होता है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जो एक कुछ एप्लीकेशन होती है जो जंक फाइल्स को डिलीट करती है, तो जंक फाइल्स जो होती है वो थोड़ा सा ठीक है। हाँ, जंक फाइल्स अपने फ़ोन में हो जाती, ऐसी फाइल्स हो जाती है जो यूज़ में नहीं होती हो, तो वो कुछ MB की फाइल्स होती है उनको डिलीट कर देती है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज़ ठीक है। लेकिन जो रैम बूस्टिंग वाली एप्लीकेशन है, ये मुझे सुन के हंसी आती है और बहुत गलत है। सो ये आपको, आपके फ़ोन में कोई भी फालतू एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। जितनी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, आपको जितनी यूज़ में आ रही है उतनी ही आपको इंस्टॉल करके रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखेंगे तो आपकी रैम भी ज़्यादा यूज़ होगी, आपकी मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ होगी, आपका बैटरी भी आपका कम बैकअप देगा और आपके फ़ोन में परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं अगर ये सारी की फालतू की एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके रखते हैं। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ समझ में आया होगा कि ये फालतू की एप्लीकेशन आप इंस्टॉल ना करें और अपने फ़ोन को सेफ रखें और अच्छा परफॉर्म करने दें खुद के लेवल पर। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।